हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की और भी अपडेट पाने के लिए, कोई भी न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक छोटा सा क्लिक बहुत एनर्जी देता है। इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GK, साइको, EVS या मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है, ओनली 5 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं, और जो स्पेशल नोट्स है वो भी फिजिकल के हो, स्पेशल के या कोई भी आपका सब्जेक्ट है, ओनली 5 रुपीज पर डे के हिसाब से आप सैंपल पेपर देख सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करिए। तो साथियों, अभी बहुत अच्छी अपडेट आ रही है आप लोगों के लिए। जैसा आपने थंबनेल में देखा है वही सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं, और कुछ चीजें ऐसी भी बताऊंगा। देखो, हम लोगों ने आप लोगों को पहले भी बताया था कि KVS के अंदर काफी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। और ये चीज ऐसा नहीं, ये हम वैसे भी आइडिया लगा सकते हैं कि जो KVS के अंदर वैकेंसीज होती हैं वो हर 1-2 साल के बाद, मतलब 1.5-2 साल के बाद वैकेंसीज आती रहती हैं। उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, इसलिए होता है क्योंकि कोई भी ना ये चाहता है कि वो घर के आसपास जॉब करे, और KVS में क्या होता है, बहुत दूर जॉब होती है। इस वजह से वहां पे, मतलब जैसे कोई भी बंदा मेहनत करके दूसरी जगह जॉब ले लेता है तो वो सीट वैकेंट होती है। और KVS स्कूल क्या है, अच्छे स्कूल होते हैं, वहां पे बच्चे भी होते हैं काफी, स्टूडेंट्स होते हैं काफी, तो इस वजह से वहां पे रिक्वायरमेंट होती है टीचर्स की। तो 1.5-2 साल के अंदर तो वैकेंसीज वहां पे आती है। अब हम बात करते हैं, हमने बताया था कि लगभग 6-7 हजार वैकेंसीज KVS के अंदर आने वाली है। तो उस टाइम हमारे एक यूट्यूब पे कोई था, नाम नहीं लूंगा मैं, वैसे भी मुझे यार देखो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने ही हमारी वीडियो के बाद वीडियो बनाई कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ये वो। उसके बाद अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने वीडियो डाली कि अब KVS के अंदर वैकेंसी जा रही है। यार हम कोई पागल दिख रहे हैं आप लोगों को, तो ऐसे लोगों से तो चलो कोई नहीं, राम बचाए। तो अभी देखो जो अपडेट ये है, ये मैं नहीं कह रहा, ये जो हाई ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ट्वीट कर करके बताई ये चीजें। लगभग 7,000 जो KVS के अंदर वैकेंसीज है वो निकालने वाले हैं, मतलब प्लानिंग फॉर इट, ये उन्होंने अपने ट्वीट में बोला है, ठीक है। और जो हमारे कुछ सोर्सेज हैं उनसे भी हमें पता चला है कि 7,000 के लगभग जो टीचिंग पोस्ट है वो निकलने वाली है। और ये मेरा जो मानना है, देखो अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चन होते हैं कि सर कब तक आ सकती हैं, तो जो मेरा मानना है वो शायद जैसे अब ये एग्जाम हो जाएंगे तो उसके बाद वो नोटिफिकेशन दे देंगे, और क्योंकि वेटिंग वगैरह का भी जो था अभी, और वेटिंग का ऐसा भी होता है कई बार न्यू वैकेंसी आती है और वेटिंग चलती रहती है आराम से, तो ये भी कोई इतना बड़ा वो नहीं है, वो गवर्नमेंट या जो बोर्ड है बोर्ड के हाथ में होता है कि वो क्या करते हैं। तो अभी अपडेट ये आप लोगों के लिए कि 7,000 जो KVS की पोस्ट है वो बहुत ही जल्द आने वाली है, तो आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। और मेरा जो मानना है शायद तो मतलब जून जुलाई के अराउंड नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो थोड़ा एक आध महीने ऊपर नीचे हो सकता है। तो मेरा जो मानना है वो इसी टाइम के लगभग नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो ये क्लियर कर लो कि 7,000 जो KVS के अंदर पोस्ट है वो आने वाली है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और जो आपको कोई गुमराह कर रहा है तो टेंशन ना ले। और इसके बाद जो बताना चाहता हूं आपको, नोट्स का मैंने बताया तो आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। आप ये मत देखिए 5 रुपीज, आप ये देखिए कि आपकी प्रिपरेशन क्या हो रही है, और KVS के लिए भी इंपोर्टेंट होंगे नोट्स। तो डेली जैसे हम करंट अफेयर्स देते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GK, साइको, EVS, इस टाइप के नोट्स वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। और इसके बाद तो जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, आप सैंपल पेपर देख सकते हैं। तो साथियों ये अपडेट है, और जो हेल्थ के बारे में बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए, तो मैं यार दिल से बताऊं, मुझे लगता नहीं कि मैं इतना सब कुछ डिजर्व करता हूं, आप इतना केयर करते हैं, आप इतना प्यार देते हैं, इन सब के लिए मैं दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, मतलब दिल से धन्यवाद करता हूं आप लोगों का, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और जो बोलने वाले यार बोलते रहें, कोई नहीं, ठीक है। तो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।